Why you hate your job? आपको अपनी जॉब बुरी क्यों लगती है? इस क्वेश्चन के बेशुमार आंसर हो सकते हैं, ठीक है? द मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर ये है जी कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को हमने ज्वाइन किया और उन्होंने हमें स्पेसिफिक रोल दिया, हमें वो रोल समझ नहीं आ रहा और मैनेजमेंट जो है वो हमसे रिजल्ट जो है फ़ौरन इंस्टेंटली एक्सपेक्ट कर रही है और बहुत अनरियलिस्टिक नंबर्स एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, आजकल अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को हायर करते हो तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है जी सर्टन नंबर ऑफ सेल्स ले आओ. देखो, डिजिटल मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल आपका बेशक सेल्स है, बट बिफोर दैट अगर आपकी डिजिटल पोजिशनिंग ही नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी ही नहीं है, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को जानते नहीं हैं, आपके ब्रांड को जानते नहीं हैं, तो कैसे वो बंदा या बंदी आपके लिए सेल्स लेके आ सकता है? वी यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट कंपनीज, टॉप एग्जीक्यूटिव, दे नीड टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. मैंने डिजिटल मार्केटिंग से ऑनलाइन सेल्स की हैं, 6 मिलियन की ऑनलाइन सेल्स मैंने एक साल में की है डिजिटल मार्केटिंग में, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू. बट उस एक साल की सेल से पहले मुझे एक साल लगा पूरी डिजिटल पोजीशनिंग क्रिएट करने में, ठीक है? अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को हायर करते हैं, यूथ को हायर करते हैं क्योंकि हमें पता है यूथ जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स लेके आती है, बट हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कहते हैं हमें ऑनलाइन सेल्स ला के दो, या जो हमें कन्वेंशनल सेल्स, हमें नंबर्स फिगर्स ला के दो. मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा, डिजिटल मार्केटिंग का अल्टीमेट गोल सेल्स ही है, बट डिजिटल मार्केटिंग का प्राइमरी गोल क्या है? आपने कस्टमर्स के दिमाग में, प्रोस्पेक्ट्स के दिमाग में पोजीशनिंग बिल्ड करनी है, पोजीशनिंग ऑफ योर ब्रांड, पोजीशनिंग ऑफ योर कंपनी, ये बिल्ड करोगे फिर जाके सेल्स फिगर को या सेल्स फंड को आप जाके हिट करते हो, ठीक है? मेजोरिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स, मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, कहते हैं बस हम ऑनलाइन सेल्स जनरेट कर लेंगे. देखो, अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं है, आपका उस पर कोई CDA ही नहीं लगा, आपका कोई ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं है, आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस ही नहीं है, सेल्स कैसे करोगे? कन्वेंशनल मॉडल की बात नहीं कर रहा, ऑनलाइन सेलिंग की बात कर रहा हूँ. मैं ब्रिक एंड मोटर मॉडल की बात नहीं कर रहा, मैं क्लिक एंड मोटर मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो हमें समझना है, दैट इज द रीजन हम लोग क्या कहते हैं यू हेट आवर जॉब. मुझे, मैं अपनी बात करूँ, आई नेवर हेट माई जॉब. क्यों? क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ऑलराउंडर हूँ. मैं अगर SEO से बोर होता हूँ तो मैं सोशल मीडिया में करता हूँ, अगर मैं सोशल मीडिया से बोर होता हूँ मैं कंटेंट राइटिंग की तरफ जाता हूँ, मैं ब्लॉग्स की तरफ जाता हूँ, मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग की तरफ जाता हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ, मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग करता हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग करता हूँ, ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, पेड एड्स चलाता हूँ, मोनेटाइजेशन करता हूँ. सो बेसिकली मैं अगर अपनी जॉब की किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से बोर हो जाता हूँ तो मेरे पास चूंकि दूसरी फील्ड भी हैं, मैं वहाँ पर ट्यून इन कर लेता हूँ अपने आप, सो नेवर गेट बोर्ड, ठीक है? बट देखो, एक और चीज़ भी है, मैंने एक चीज़ देखी, लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते. फॉर एग्जांपल किसी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे को अगर हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए बंदा रखा तो ही और शी वो परसिस्टेंट हो जाएगा, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करनी है. देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कॉन्टेंट भी तो आता है ना, हमने कॉन्टेंट लिखना ही है, लिखना है, ग्राफिक डिजाइनर से आपने काम करवाना ही कराना है, तो वाई नॉट अगर आप कॉन्टेंट मार्केटिंग अगर आपको दी गई आप उसे पीछे से प्ले करो. सेइंग दिस दैट आई हेट माई जॉब, इट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट, ठीक है? एंड एक्चुअली ये आपका जो है ना अपना जिसे कहते हैं इमेज, वो है रिक्रूटर के माइंड में या ऑर्गेनाइजेशन के माइंड में, जिसे कहते हैं ना, वो एक बैड इम्पैक्ट या एक बैड इमेज क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है? एंड आपका अल्टीमेटली डे एंड पे आप ही सर्वाइव कर रहे होते हो. मेजोरिटी ऑफ द पीपल से आई हेट माई जॉब. एक तो उन्हें समझ भी नहीं आता टेक्नोलॉजी ऐसी है कि नहीं, टेक्नोलॉजी का कोई किसूर नहीं है, मोबाइल डिवाइसेज हर एक के पास है, आप मोबाइल डिवाइसेज यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस क्यों नहीं करते यार? टेक्नोलॉजी इज समथिंग के उसने हम आगे बढ़ते ही जाना है. सेलफोन्स आ गए हैं, इनसे आगे पता नहीं क्या क्या कुछ आने वाले हैं. प्लीज और एक्सपेक्ट के सेलफोन बंद होकर बटन वाले फोन आ गए, कंप्यूटर्स रिप्लेस हो गए, लैपटॉप से लैपटॉप रिप्लेस हो, टैबलेट से टैबलेट्स आ गए, मोबाइल डिवाइस से, यू नेवर नो वॉट इज कमिंग नेक्स्ट, बट स्टे, ठीक है? तो देखो, यू हैव टू डिसाइड, ईदर यू लव योर जॉब, ईदर यू हेट योर जॉब. इफ यू हेट योर जॉब तो प्लीज डिसाइड वॉट आर द फैक्टर्स ऑन बिहाफ ऑफ विच ऑन बिहाफ ऑफ देम आपको लगता है कि आप वो चीज नहीं कर सकते या कैसे बेहतर कर सकते हो, ठीक है? एंड यू आर द ओनली वन हुज गोना लव योर जॉब और हुज गोना ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग हेटिंग योर जॉब टुवर्ड्स लविंग योर जॉब. अगर अपनी जॉब से, देखो जॉब से पहले छोड़ो, अगर खुद से प्यार करोगे, व्हाट्स सेल्फ लव, खुद से प्यार करोगे तो अपने काम से भी प्यार होगा, काम से प्यार होगा तो कंपनी को नजर आएगा यू आर एडिंग वैल्यू. सो प्लीज डोंट से यू हेट योर जॉब, स्टार्ट लविंग योर जॉब. थैंक यू.